بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ग्रामी कदर मुअज्जज़ और मोहतरम सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाह पाक जल्ल शानहु का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें बिन मांगे ईमान जैसी अजीम शान करोड़ करोड़ की दौलत से सरफराज फरमाया, नीस अनगिनत नियमतों से माला माल फरमाया। उसका बेहद करम है, उसका बेहद एहसान है। हम उसी की हमद बयान करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं और उसी से अपने गुनाहों की मगफिरत चाहते हैं और उसी पर ईमान लाते हैं और उसी पर एतमाद करते हैं, जिसको अल्लाह पाक जल्ल शानहु हिदायत से माला माल कर दे, ईमान की दौलत से नवाजे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह की मशीयत और उसकी तकदीर खुद गुमराही के हवाले कर दे, उसको दुनिया की कोई ताकत हिदायत और सीधे रास्ते पर गामगन नहीं कर सकती। हम गवाही देते हैं इस बात पर कि वो खुदाए कुद्दूस यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, सहीम नहीं, साथी नहीं, साजी नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसकी मिसाल नहीं, उसका मिसल नहीं, ला मिसल लहू वला मिसाल लह, उसकी जिद नहीं, उसकी निद नहीं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, न उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ और न उसके बराबर का कोई है। हम गवाही देते हैं इस पर भी हमारे सरकार ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, मदीने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, निगाहेश को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहेश को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआ वही फुरका वही यासीन वही ताहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज्जज़ मुकर्रम सामईन किराम, हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
दुआ मांगना इबादत का मग़ज़ है और मुसलमानों का हथियार और दीन का सुतून है और आसमान और जमीन का नूर है। इरशाद फरमाया, तुम लोग दुआएं मांगने में कमी ना किया करो, क्योंकि दुआ मांगते हुए कोई बर्बाद नहीं हुआ। हमारे आका का फरमान सच्चा, हमारे आका का रिजल्ट भी पक्का। इरशाद फरमाया, दुआ मांगते हुए कोई बर्बाद नहीं हुआ। गैरों से मांगा तो जिल्लत मिली, अल्लाह से मांगा तो इज्जत मिली। ऐ मांगने वालों मांगो उसी से, ऐ मांगने वालों मांगो उसी से जो दे देता है सबको खुशी से। दुआ मांगना नबियों और वलियों का तरीका है। खूबसूरत जिंदगी का राज यह है कि दुआ दी जाए, दुआ दी जाए, दुआ मांगी जाए। मुस्लिम हजरात, जब से लोग बड़ों की इज्जत कम करने लगे, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाइयां ज्यादा भरने लगे। दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, दूर बैठे कोई मुझे दुआ देता है, डूबता हूं समंदर मुझे उछाल देता है। मुस्लिम हजरात, उसके खजाने में कोई कमी नहीं, जो मांगना है मांगो। लेकिन इस हकर की मिन्नत है कि अपने औलाद के लिए सबसे पहले कामिल ईमान और कामिल अखलाक तलब करो, और खास करके जब भी मुर्गा बांग दे ये दुआ जरूर मांगा करो। हम दुआओं के जरिए किस्मत के फैसले करा सकते हैं, अपने किस्मत को चमका सकते हैं। हदीस पाक में इरशाद गिरामी, दुआ तकदीर को बदल के रख देती है। मायूस न हो अहले जमी अपनी खता से, मायूस न हो अहले जमी अपनी खता से, तकदीर बदल जाती है मुस्तर की दुआ से। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है। उसके लुत्फ करम के क्या कहने, उसके लुत्फ करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां खुशहालियां सबसे पहले इन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है, आप हर किसी को दिल खोलकर दिल की गहराइयों से दुआएं दिया करें। क्या पता किसी की किस्मत का सितारा चमकने के लिए आपकी दुआओं का मुंतजिर हो। दुआ आपकी होगी लेकिन किसी की किस्मत का सितारा चमक उठेगा, किसी की किस्मत बंद और संवर जाएगी। दुआएं देने में बुखल से काम न लिया करो, दिल से दुआएं दिया करो, क्योंकि हमारा एक दूसरे के लिए दुआएं देना और मांगना अल्लाह पाक को ये बेहद पसंद अमल है। दुआ मांगना फर्ज है। चुनांचे कुरान करीम में पारा नंबर 24 आयत नंबर 60 सूरह मुमिन में इरशाद है, उदउनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदो बंदियों, तुम मुझसे दुआ मांगते रहो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अनकरीब वो जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। तो दुआ मांगते रहने से रब्बुल आलमीन बेहद खुश होते हैं, दुआ छोड़ देने से गजबनाक होते हैं। और किसी को बददुआ देने से, लानत भेजने से बहुत बचो, क्योंकि जिस पे लानत भेजते हैं वो चक्कर काटती है, घूमती है। अगर वो बददुआ का, लानत का मुस्तहिक होता है तो उसको जाकर पकड़ लेती है, वरना लौटकर भेजने वाले पर धड़ाम से आकर पड़ जाती है। अब उसका सत्यानाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसकी उल्टी गिनती शुरू होकर उसकी जिंदगी में जिल्लत और तरह तरह की बर्बादियां और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और जो दुआएं देते हैं, रहमत भेजते हैं, जो इंसानियत की खैर खाई चाहते हैं, अगर वो दुआ और रहमत का मुस्तहिक होता है तो ठीक,
वरना लौट कर उसी पर वो दुआ वो रहमत आकर लग जाती है, वो अरबों खरबों रहमत हमारी झोली में आकर पड़ जाती है। मुट्ठी भर जोर से फूल बरसाएं तो नीचे फूल ही बरसेंगे, और अगर ऊपर खड़ी और पत्थर फेंके तो फूल नहीं खड़ी और पत्थर ही गिरेंगे। मोहतरम हजरात देखिए, जिंदगी उनकी भी गुजर जाती है जो हंस के गुजरते हैं, और उनकी भी गुजर जाती है जो रोते धोते गुजारते हैं। बात आपके हंसने या रोने की नहीं है, असल बात यह है कि कहीं कोई आपकी वजह से तो रोने पे मजबूर नहीं हुआ, और कहीं रोकर बददुआ देने पर तो मजबूर नहीं हुआ। खुद चाहे हंस के गुजारें या रोकर गुजारें, लेकिन किसी दूसरे की आंख में आंसू आने का सबब अपनी जात को कभी मत बनने दें। बस ये सोचें, सारे बंदे अल्लाह के बाल बच्चों की तरह हैं, अल्लाह अपने हर बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। किसी की आहें किसी की बददुआ मत लें, वरना जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगी। न बददुआएं लेना है न बददुआएं देना है, लेने से भी बचें और देने से भी बचें। मुत्तम हजरात, रबीउल अव्वल का महीना है। इस्लाम का एक अजीब निजाम है, ध्यान से सुनिए। हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क दे दिया और एक नमूना बना दिया, सारी कायनात के लिए मिसाल बना दिया, और बता दिया कि मोहब्बत के लायक एक ही चीज है, वो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते आलिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करनी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टूट के प्यार करना है। रबीउल अव्वल का मफहूम और ईद मिलादुन नबी का मफहूम आपको बताया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी कैसे मनाना चाहिए और हम कैसे मनाते हैं। रबीउल अव्वल में जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, उसकी खुशियां किस तरह मनाना चाहिए। जिस हस्ती से सबसे ज्यादा मोहब्बत मतलूब है मकबूल है वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मां अगर कहे छत से छलांग लगा ले तो खुदकुशी है, मां अगर कहे छत से छलांग लगा ले तो खुदकुशी है, बाप कहे उरुल डाल ले तो खुदकुशी हो जावे, उस्ताद कहे तो खुदकुशी हो जावे। अगर यही बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे तो ये शहादत है, शहादत हो जाएगी। क्यों शहादत हो जाएगी? इसलिए कि उस हस्ती का हुक्म शरीयत है, आपका ख्याल शरीयत है, आपका दुख शरीयत है, आपका गम शरीयत है, आपका गुस्सा शरीयत है, आपकी मुस्कुराहट शरीयत है, आपकी नरमी शरीयत है, आपकी सख्ती शरीयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवतें शरीयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवतें ये शरीयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी ये शरीयत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोचा जो चाहा जो किया जो फरमाया वो सब शरीयत है। इतनी बड़ी हस्ती को अपने प्यार में ले आए, इतनी बड़ी हस्ती को अपने प्यार में ले आए, अपनी मोहब्बत में ले आए, बड़े बड़े रोगों से बड़ी बड़ी बीमारियों से बड़ी बड़ी तकलीफों मुसीबतों से हम यकीन जानिए उनके तुफेल से बच जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी हस्ती को अपने प्यार में ले आए, अपनी मोहब्बत में ले आए, बड़े बड़े रोगों से बड़ी बड़ी बीमारियों से बड़ी बड़ी मुसीबतों बड़ी बड़ी तकलीफों से हम यकीन जानिए उनके तुफेल से बच जाएंगे। अगर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें प्यार नसीब हो जावे।
सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अहले बैत ने करके बताया है। ये क्यों किया? हम सबको बताने के लिए, मुझे बताने, आपको बताने के लिए, हम सब के लिए, सारे आलम के लिए। याद रखिए, ये खून जो हमारे जिस्म में है, ये खून जो हमारे जिस्म में है, किसी की मोहब्बत की सोच की शक्ल में जलेगा, किसी की मोहब्बत की सोच की शक्ल में जलेगा, या किसी आंसुओं की शक्ल में बहेगा, या जलेगा या बहेगा, जो सड़कों और बाजारों में बहेगा, और जो खून सड़कों और बाजारों में बहेगा, अल्लाह के यहां उसकी कोई कीमत नहीं। देखिए, कल्ब के माना दिल है, जो दो नुक्ते वाला, कैंची वाला काफ, और काफ कमीने वाला काफ, बगैर नुक्ते वाला काफ, उससे कल्ब, उसके माना है कुत्ता। बड़े काफ से दिल, छोटे काफ से कुत्ता, कल्बुन। दिल के बदलने का नाम इनकलाब है, दिल की दुनिया बदल जाए इसी का नाम इनकलाब है। इनकलाब शक्ल चेहरे के बदलने का नाम इनकलाब नहीं, दिल की दुनिया बदल गई इनकलाब आ जाएगा। और शरीयत का निफाज भी दिलों पर होता है। अगर कुछ भलाई लाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने दिलों को बदलना पड़ेगा। मोहतरम हजरात, माय रबुल अव्वल लेने वाले ले लेते हैं, बदकिस्मत महरूम हो जाते हैं। अल्लाह हमें बदकिस्मत से बचाए, खुशकिस्मत बनाए। मुहर्रम का महीना भी मैसेज लेकर आता है, वाकये करबला को याद दिलाकर कि देखो, अपना सर सब कुछ कटवा दिया, लेकिन मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे आंच आने न दी। रबीउल अव्वल भी एक मैसेज है, जिंदगी का एक निजाम है, हमें याद दहानी के लिए आता है कि हम अपनी जिंदगी में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक क्या क्या चेंजेस लाने की, अपने आमाल को, अपने चेहरे को, अपनी सोचों को नबी अलैहिस्सलाम सल्लम के आमाल के मुताबिक करना है। कुरान करीम पारा नंबर 26 सूरह फतह आयत नंबर 29, इसमें है मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं। अल्लाह पाक जल्ल शानों की तरफ से दिया हुआ यह खिताब है, सब खिताबों से बढ़कर है। याद रखिए और खूब समझ लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानना फर्ज है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का इनकार करे वो काफिर है, वो बेईमान है। इसी तरह आप आखिरी नबी हैं, अब नबूवत का दरवाजा बिल्कुल लॉक हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है, अब कोई पैगंबर नहीं, नबी नहीं आएगा। कहते थे सब अंबियाए मोहतरम, कहते थे सब अंबियाए मोहतरम, काश होते उम्मते अहमद में हम, कहते थे सब अंबियाए मोहतरम, काश होते उम्मते अहमद में हम, दम बदम उन पर दरूद व सद सलाम, दम बदम उन पर दरूद व सद सलाम, पहुंचे हम सब का तोहफा बिद्दवाम। एक औरत हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में आई। ध्यान से सुनिए, कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक, तुर्बत मुबारक पर जाना चाहती हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजरा मुबारक का वो दरवाजा खोल दिया। वो औरत आपकी फिराक में, आपकी जुदाई में रो रही थी, आपकी मोहब्बत में रो रही थी, और अरबी के बेहतरीन अशआर पढ़ रही थी, और इतना रोई, इतना रोई, रोते रोते वहीं उसका इंतकाल हो गया, उसकी जान निकल गई। अल्लाह,
यह है इश्क़ मुस्तफ़ा। अगर सीने में है मरेगा कहीं भी लेकिन होगा मदीने में, यह है मोहब्बत, यह है प्यार। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब पुकारते थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, ये अल्फाज मिलते हैं हमेशा, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये जवाब देते थे। इश्क का ये आलम था, यही फरमाते, सिर्फ जी नहीं फरमाते थे, जी के साथ फरमाते मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, क्या हुक्म है फरमाइए, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या इश्क था, क्या मोहब्बत थी। मदीना तैयबा में जिसको बुखार होता था, जिस पर नजरें बद होती थी, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक थे, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पानी से भरे कटोरे में इसको बड़े अच्छे अंदाज में महफूज कर रखे थे। जिसको भी तकलीफ होती थी वो पानी निकाल कर वो दे देती थी, जिसको नजरें बद होती वो भी खत्म, जिसको बुखार होता था उसका बुखार भी खत्म हो जाता था। सुभान अल्लाह, हम दिलो जान से नबी पर हैं फिदा, हम दिलो जान से नबी पर हैं फिदा, जिससे हमको दीनो ईमान है मिला। जब मोहब्बत बढ़ती है, जब अकीदत बढ़ती है, तलब और तड़प बढ़ती है, फिर ये चीजें बरकत का जरिया बन जाते हैं, फिर इश्क यहां आ जाता है। दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जो पुरानी पुरानी चीजें संभाल कर रखी हैं, जब इश्क आता है तो महबूब की हर चीज संभाल कर रखी जाती है, फिर महबूब की हर चीज की, हर बात की कदरदानी होती है। और महबूब की हर अदा से मोहब्बत होती है। जरा ध्यान से सुने, एक सहाबी ऊंट पर जा रहे थे, एक जगह से सर झुकाकर गुजरे, अच्छे खासे सर झुकाकर गुजरे। साथी ने पूछा यहां पर ऐसे क्यों आप सर झुकाकर गुजर रहे हैं, हालांकि कोई ऐसी चीज यहां नहीं है जो आपके सर को लग रही हो। अल्लाह अकबर, क्या इश्क था इन्हें। फरमाया एक दफा मैं सरवरे कौनैन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां ऊंट पर से गुजरे थे तो उस वक्त यहां एक दरख्त था, उसकी शाखें झुकी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे मुबारक यहां झुकाया था, मेरी इश्क की गैरत गवारा नहीं करती कि आका का सर मुबारक यहां झुके और मेरा सर सीधा रहे, मेरा भी सर यहां से झुक कर ही जाएगा अगरचे दरख्त की शाखें लटकी हुई न हो। यह था इश्क नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा इकराम। जंगे उहुद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म में लोहे की कड़ियां गड़ गई, जरा बहुत ध्यान से सुनिए मोहतरम, एक सहाबी ने अपने दांतों से पकड़कर वो लोहे की कड़ियां खींची, एक दांत टूट गया, दूसरी खींची दूसरा दांत टूट गया, वो कड़ी निकल आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक वहां से रिसा। उन आशिक सहाबी ने अपने होठों से वो खून मुबारक चूस लिया, नीचे कहां गिरने देते। सरवरे कायनात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मफहूम हदीस है, जिसके जिस्म के अंदर मेरा खून मिल गया होगा उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती। यह है इश्क, रबीउल अव्वल में लेने की चीज है, यह है मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपकी मोहब्बत में हमारे जिंदगी के दिन रात बदलते जाएं। यह है इश्क़े मुस्तफ़ा, रबीउल अव्वल का महीना ये पैगाम देता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा कितना इश्क बढ़ रहा है, दरूद पाक का कितना एहतमाम हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। एक दरूद शरीफ है, इरशाद फरमाया हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर उसको एक मरतबा पढ़ा जाए तो उसका सवाब फरिश्तों को लिखने में 1000 दिन लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, कितना जबरदस्त दरूद शरीफ है। अल्फाज पे गौर कीजिए, अगर उस दरूद पाक को एक मरतबा पढ़ा जाए तो उसका सवाब फरिश्तों को लिखने में 1000 दिन तक लग जाते हैं, सिर्फ एक मरतबा पढ़ने पर। आपसे दरखास्त है, हम सब पढ़ेंगे, मैं एक मरतबा पढ़ाता हूं, सारे सामीन से दरखास्त है मेरे साथ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हम 3 मरतबा पढ़ेंगे तो अंदाजा लगाइए 3000 साल तक लिखते लिखते थकेंगे, वो 3000 दिन तक वो लिखते रहेंगे बराबर। 1000 दिन तक एक मरतबा पढ़ने पर जो है लिखते लिखते वो थक जाते हैं। तो चलिए कम से कम एक मरतबा हम दुरुस्त पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन صلي على محمد وعلى آل محمد وجزي محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله। ما شاء الله, यकीन जानिए 1000 दिन तक लिखते रहेंगे आप इस पास। कितने हम लोग खुशकिस्मत हैं, जुमा का दिन है, नूर नला नूर, इस महीने के अंदर खूब दुरुशी पढ़ेंगे। वो होते न पैदा तो दुनिया न होती, वो होते न पैदा तो दुनिया न होती, ये दुनिया है जलवा हमारे नबी का, नहीं कोई सानी फलक पर जमी पर, नहीं कोई सानी फलक पर जमी पर, हमारे खुदा का हमारे नबी का। अदब से फरिश्तों ने सर को झुकाया, अदब से फरिश्तों ने सर को झुकाया, जहां नाम आया हमारे नबी का। कोई बेनवा हो कोई बादशाह हो, कोई बेनवा हो कोई बादशाह हो, है सबको सहारा हमारे नबी का। है अर्शे बरी उनके कदमों के नीचे, है अर्शे बरी उनके कदमों के नीचे, वो रुतबा है ऊंचा हमारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कुरान हमारे आका के सीने अथर पर नाजिल हुआ, उस कुरान से हमारी मोहब्बत कितनी रही, उस कुरान को देखने से कितना सुकून मिलता है। अगर सुकून मिल रहा है तो हमारे आका से हमें मोहब्बत है, फिर हम आशिक रसूल हैं। अगर कुरान के साथ मोहब्बत नहीं है तो फिर मेरे इश्क में कोताही है। मोहतरम हजरात, ये इश्क ही काम आएगा। कब्र में भी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर दिखाया जाएगा, फिर पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहते हो, ये कौन है। जब इनकी बातों पर अमल ही ना होगा तो कैसे पहचान सकेंगे हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हमें कहीं भी गुजारा नहीं, हमें ऐसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले हैं, ऐसे महबूब नबी मिले हैं, उनके बगैर कहीं हमारा गुजर नहीं। सच्ची बात है, सही बात है, कहीं गुजारा नहीं। देखो जो उम्मत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो है मुसलमान, मुसलमान इस्लाम और सलामती से, ईमान अमन से। आपकी अम्मी जान का नाम आमीना, ये भी अमन से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दाइया थी दूध पिलाने वाली, उसका नाम शिफा था, शिफा राहत सुकून। और एक थी हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा,
वो भी हिल्म बुर्दबारी, ये सारी चीजें इस्लाम, सुकून, राहत, अमन, खैर बरकत, रवादारी, ये इस्लाम का हादसा है। ये उस वक्त आएगा जब सच्ची मोहब्बत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में उतरती चली जाएगी। एक बार हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए उमर, तेरा क्या बनेगा? अरे उमर, तेरा क्या बनेगा जब कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, हैबत नाक शक्ल के अंदर? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सीने पे हाथ लगा के पूछ रहे हैं, ये सीना मेरे साथ क्या होगा? इरशाद फरमाया, हाँ उमर, तेरे साथ होगा। फरमाया, फिर मुझे कोई परेशानी की बात नहीं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर मुझे कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि इस सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बूढ़ी खातून का वाकया सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, कैसा इन्हें इश्क था। जब उहुद में तकरीबन 70 से ज्यादा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हो गए, तो एक बूढ़ी खातून दौड़ी दौड़ी पूछने लगी, अल्लाह के रसूल का क्या बना, वो किस हालत में? 70 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए हैं, एक बूढ़ी खातून दौड़ी हुई, पता चला कि 70 से ज्यादा हजरात शहीद हो गए। बूढ़ी खातून दौड़ी दौड़ी चलिए और पूछने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बना, वो किस हालत में? रास्ते में किसी ने कहा, तेरा भाई शहीद हो गया है, तेरा भाई शहीद हो गया है। कहने लगी, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? अल्लाह अकबर। इतने में फिर एक साहब आए, कहने लगे, तेरा बेटा शहीद हो गया है, तेरा बेटा शहीद हो गया है। कहा, अच्छा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? आगे से किसी ने कहा, तेरा खाविन शोहर भी शहीद हो गया है। कहा, अच्छा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालत है? एक काफिला आया, कहने लगा, सामने जो लोग खड़े हैं उसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। कहने लगी, नहीं नहीं, जब तक मैं देख ना लूं मुझे यकीन नहीं आएगा। क्या इश्क था, क्या मोहब्बत थी अपने नबी अलैहिस्सलाम से। बाद रिवायत में आता है, वो बूढ़ी खातून गई, दौड़ते दौड़ते मदीना से उहुद पहुंची, वहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर पर जो लिबास था वो पकड़कर वो बूढ़ी खातून कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप सलामत हैं तो सब कुछ मेरा सलामत है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप सलामत हैं तो सब कुछ मेरा सलामत है। हालांकि उसका तो सब कुछ लूट चुका था, उसका तो शोहर भी शहीद हो चुका था, उसका तो बेटा भी शहीद हो चुका था, उसका घर बचा नहीं था, लेकिन कहने लगी, नहीं नहीं, आप अगर जिंदा सलामत हैं तो फिर सब कुछ मेरा सलामत है। अल्लाह अकबर। क्या इश्क था, क्या मोहब्बत, ये मोहब्बत, ये प्यार असल ईमान की अलामत है। एक जालिम बादशाह ने एक जगह तेल का बड़ा कड़ा भांडा तैयार किया, तेल को खूब गर्म किया, तेल खूब उबलने लगा, खोलने लगा, एक एक करके सब सहाबी रसूल को खोलते हुए तेल में डाल दिया उस जालिम बादशाह। कितनी सख्त तकलीफ होती होगी। एक आखिरी सहाबी के बाजू में गर्म खोलता हुआ तेल है, पूछा गया, क्या तू चाहता है कि तेरे जगह तेरे महबूब हो, तेरे नबी हो?
तेरा क्या ख्याल है? जरा ध्यान से सुनिए मोहतरम सामईन। वो सहाबी है रसूल कहने लगे अल्लाह अकबर। कैसे मोहब्बत उनके रगों में रच बस गई थी। कहने लगे काश मेरे पास तो सिर्फ एक ही कीमती जान है, अगर ऐसी कीमती 70 जाने भी हो जाती तो मैं कुर्बान कर देता, मेरे आका पर कुर्बान कर देता। थोड़ी सी आंच भी आ जाए हमें ये गवारा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खोलते हुए तेल में जल भुनकर मर जाना गवारा है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ी सी आंच भी आ जावे ये हमारा गवार नहीं, बिल्कुल हमें गवारा नहीं। एक तरफ भरी जवानी है, दिल की तड़प है, दिल की उमंग है, दिल की ख्वाहिश है कि फुला जगह पैसा है, माल की रेल पेल है, हुस्न और जमाल है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उनकी बातों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं उसके घर में। क्या ऐसी जगह शादी कर लो, क्या ऐसी जगह शादी कर लो? ना उनमें हमारे नबी के अदाए हैं, ना वफाए हैं, ना शरी अहकाम आते हैं। मुझे बस आका मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुर्ख रोई चाहिए। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मुझे बस आका मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुर्ख रोई चाहिए। सब छूट जाए चल जाएगा, लेकिन मदीने वाले का भी साथ छूट गया तो मैं कहां जाऊंगा? कयामत में उनकी सिफारिश मुझे न मिली तो मुझे जन्नत कैसे मिलेगी? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फज़फुर बिज़ातिद्दीन तरबियत यदाक, फज़फुर बिज़ातिद्दीन तरबियत यदाक औ कमा काल अलैहि सलातो वसलाम। मिश्कात की रिवायत है, यानी शादी में माल दौलत हुस्न जमाल हसब नसब की बजाय दीनदारी देखो, दीनदारी को मुकद्दम रखो। शादी में माल दौलत हुस्न जमाल खूबसूरती हसब नसब की बजाय दीनदारी को मुकद्दम रखो। पेमेंट तो 80-90 हजार है, लेकिन दीनदारी नाम की भी नहीं। दीनदारी यानी अल्लाह के हुकूक को अदा करने वाला, अल्लाह से डरने वाला। जब अल्लाह का डर ना हो, अल्लाह के हुकूक की अदायगी में कोताही बरतने वाला हो, वो बीवी से कैसे डरेगा, बीवी के हुकूक को कैसे अदा करेगा? खवातीन बोलती रहती हैं क्या करना, 80-80 हजार पेमेंट है छोड़ो। न बीवी की फिक्र, न बच्चों की फिक्र, खाली मोबाइल खाली मोबाइल खाली बाहर। बीवी को नौकरानी करी भंगन समझते हैं। पेमेंट 80-80 हजार है, ये दीनदारी छोड़कर सिर्फ नौकरी का लिहाज करके शादी करने का ऐसा ही अंजाम होगा। ये दीनदारी छोड़कर सिर्फ नौकरी का लिहाज करके शादी करने का ऐसा ही अंजाम होगा। घर में सब बैठे सर जोड़कर बैठे मशवरा करें, कितना रबीउल अव्वल में हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ले रहे हैं और कितना छोड़ रहे हैं। एक सहाबी फरमाते हैं मेरी खाला सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में मुझे ले गई। मैं बीमार था परेशान था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और मेरे सर पे हाथ फेरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया और वजू का बचा हुआ पानी मैंने पिया, बस मैं फौरन ठीक हो गया। बड़े बड़े उलमा इकराम फरमाते तीन पानी ऐसे हैं जिनमें शिफा है। बड़े बड़े उलमा इकराम फरमाते तीन पानी ऐसे हैं जिनमें शिफा है।
नंबर एक जमजम का पानी, नंबर दो बारिश का पानी, नंबर तीन वजू का बचा हुआ पानी। आजकल लोटे नहीं होते, नलके होते हैं, टोंटी होती है, तो उसकी तरतीब यह है लास्ट में तीन घूंट पानी पी ले, यह भी वजू के बचा हुआ पानी में शुमार हो जाएगा। जरा ध्यान से सुने मोहतरम सामई, ये बुजुर्गों के मुजर्रबात में से है, वजू का बचा हुआ पानी जिस नियत से पियोगे अल्लाह ताला वो पूरा फरमाएगा, हल करेंगे अल्लाह पाक। जिस बीमारी को, जिस टेंशन को, जिस तकलीफ को दूर करने की नियत से पियोगे उससे शिफा मिलेगी, मसला हल हो जाएगा। यह अमल जोड़ों के दर्द के लिए अजहद मुफीद है। वजू से तीन घूंट पानी पीना, यह अमल जोड़ों के दर्द के लिए अजहद मुफीद है। हर वजू के बाद तीन घूंट शिफा की नियत से पीते रहे, बड़ा जबरदस्त फायदा मिलेगा। यकीन से करके देखिए, यकीनी फायदा मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। जोड़ों के दर्द के लिए अजहर मुफीद है। यहां इन सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का बचा हुआ पानी पी लिया तो फौरन अच्छे हो गए। एक आशी के रसूल साहबी रसूल को कुफ्फार ने पकड़ लिया और सूली पे चढ़ाने लगे, तो कुफ्फार पूछने लगे, अच्छा ये बताओ तुम्हारी जगह तुम्हारे महबूब नबी को नऊज बिल्ला सुम नऊज बिल्ला इस तरह सूली पे चढ़ा दिया जाए तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तेरा काइल बोटा बोटा तुझ पे माइल फूल फूल, तेरा काइल बोटा बोटा तुझ पे माइल फूल फूल, तेरा आशिक पत्ता पत्ता तेरी शहदा शाख शाख। अच्छा ये बताओ तुम्हारी जगह तुम्हारे महबूब नबी को नऊज बिल्ला इस तरह सूली पे चढ़ा दिया जाए तो तुम्हारा क्या ख्याल है? सूली पे चढ़ रहे हैं लेकिन क्या अजीब मोहब्बत और क्या अजीब प्यार है, और कैसी मोहब्बत इन तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की जमात में रच बस गई थी। अल्लाह अकबर, क्या मोहब्बत, क्या इश्क था। जान सूली पे चढ़ रही है आका के खातिर। हम अपनी जिंदगी का जरा जायजा लें, हम खानदान के खातिर, रिवाज के खातिर आका सरोरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना नाराज करते। वो सहाबी रसूल सूली के पास तड़प उठे, कहने लगे, नहीं नहीं अरे दुश्मनों, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरे आका घर पे हो और उनके पांव मुबारक में मामूली सा कांटा भी चुभ जाए, मुझे ये भी गवारा नहीं। अल्लाह, वो लोग हैरान हो गए, कहने लगे हम बड़े बड़े लोग देखे हैं आखिरी वक्त सूली पे चढ़ रहे हैं, इसको अपने आका से इस कदर सख्त मोहब्बत, इतना इश्क। वो लोग भी दंग रह गए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैंने मुश्क व अंबर वगैरह कोई खुशबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक और खुशबू से ज्यादा खुशबू वाली नहीं देखी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, मैंने मुश्क व अंबर वगैरह कोई खुशबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक और खुशबू से ज्यादा खुशबू वाली नहीं देखी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मुसाफहा करते तो दिन भर उसके हाथों से खुशबू आती, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बच्चे के सर पर हाथ फेरते तो वो बच्चा खुशबू से पहचाना जाता। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सर पर हाथ मुबारक फेरा है? और जिस गली कोचे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता वो खुशबू से महक जाती।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने वाला पहचान लेता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ तशरीफ ले गए हैं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनका बयान है कि मैंने महरे नबुवत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो कंधों के बीच में एक सुर्ख और उभरा हुआ गोश्त कबूतरी के अंडे जैसा देखा। उसमें से मुश्क की खुशबू से ज्यादा खुशबू आती थी। यहूदी और ईसाई आलिम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी निशानियों से पहचान लेते थे कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को अक्सर मेरे घर में आकर सोया करते थे। अक्सर आपका मामूल था। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से पसीना बहुत निकला। मेरी मां उम्मे सुलेम रजी अल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने पहुंच पहुंच कर एक शीशी भर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए और फरमाया ये पसीना क्या करोगी। हजरत उम्मे सुलेम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी इत्र की शीशी है, मैंने इसको आपके पसीने से इसलिए भर लिया है, मैं इसको सूंघा करूंगी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुश्क की खुशबू से ज्यादा खुशबू वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जंगे हुदैबिया में लोगों को प्यास लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लोटा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वुजू किया। फिर अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोग प्यासे हैं और पानी नहीं है और लोगों को प्यास है और सबको वुजू भी करना है, पानी तो बस इसी लोटे में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उस लोटे में रखा, उसी वक्त पानी आपकी मुबारक उंगलियों में से उबलने लगा। बस सब फौजियों ने पानी पिया और वुजू भी किया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हम सब आदमी 1500 थे, 1500, और पानी इस कदर आ रहा था कि अगर 1,00,000 आदमी भी होते तो सबको काफी था। अल्लाह अकबर, क्या मोजिजा है सच्चे नबी का, सच्चा मोजिजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज में एक दिन के पैदा हुए बच्चे को लेकर आपकी खिदमत अकदस में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एक दिन के बच्चे से पूछा अरे बच्चे मैं कौन हूं। एक दिन के बच्चे ने साफ साफ जुबान से कह दिया आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह ने कुव्वत गोया ही दे दी, कहने लगा साफ साफ जुबान से आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। खातिमुल खुलफा शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है मैं एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगल में गया तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त या पहाड़ की तरफ से गुजरते तो उनकी तरफ से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त या पहाड़ की तरफ से गुजरते उनकी तरफ से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तेरे ऊपर कुर्बान मदीने वाले।
तेरा दर छोड़कर जाऊं तो कहां जाऊं, तेरा दर छोड़कर जाऊं तो कहां जाऊं मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल अपने मुट्ठी में कुछ कंकरियां छुपा कर आपकी खिदमत में आया और कहा, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या चीज है, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो बता दूंगा, अगर जो चीज तुम्हारी मुट्ठी में है अगर वही चीज मुझको अल्लाह के रसूल कह दे तो क्या तुम मुसलमान हो जाओगे। मैं तो बता दूंगा, अगर जो चीज तुम्हारी मुट्ठी में है अगर वही चीज मुझको अल्लाह के रसूल कह दे क्या ईमान लाओगे मुसलमान हो जाओगे। उसने कहा, हां मुसलमान हो जाऊंगा। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की मुट्ठी की तरफ हाथ मुबारक का इशारा किया तो कंकरियों ने बुलंद आवाज से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू जहल की मुट्ठी की तरफ हाथ मुबारक का इशारा किया तो कंकरियों ने बुलंद आवाज से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल को बड़ा गुस्सा आ गया, उसने कंकरियों को फेंक दिया, बदबख्तो लईन, और यह कहकर चल दिया, वाह भतीजे वाह, खूब जादू सीखा है, खूब जादू करने आता है, अब तो तुम पूरे पक्के जादूगर हो गए हो। नऊज बिल्ला, अबू जहल को उसकी जहालत ने दोजखी बना दिया। अल्लाह पाक जल्ला शानू से दुआ है, अल्लाह पाक हमें नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक बनाए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर दिलो जान से फिदा होकर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।